जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया वाइज डिस्कशन होगा एलेस्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। बेसिकली हम लोग डिस्कशन इस बात को करेंगे कि इस स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। लगातार देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक रेड निशान में यानी कि लोअर सर्किट में ही चलते हुए देखने को मिल रहा है। आप जानते हैं कि जब कोई स्टॉक लोअर सर्किट में चलता है तो प्राइस धीरे धीरे करके लगातार नीचे की तरफ आता है और इसका प्राइस भी लगातार नीचे की तरफ पिछले कुछ दिनों से आ रहा है। मेन सवाल है कि प्राइस कितना नीचे आएगा, आखिर कहाँ तक ये प्राइस नीचे जाके ठहरेगा और उसके बाद फिर प्राइस मतलब यहाँ से बाउंस बैक मार के ऊपर जाएगा, इसी को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए किसी स्टॉक में जब गिरावट हो रही है इस हमें यह भी समझना होगा क्या ये स्टॉक जिस सेक्टर में काम करता है क्या उस सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिल रहा है या उस सेक्टर के और भी जो कंपनियां हैं उसमें भी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इसको समझने के लिए अभी हम लोग आए हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का रिपोर्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये 2030 तक जो ग्रोथ है टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री का वो डबल हो जाएगा। तकरीबन 2022 में 1.7 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार हुआ करता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, जो 2030 तक बढ़कर तकरीबन डबल यानी कि डॉलर हो जाएगा 2.7 ट्रिलियन डॉलर इसका व्यापार हो जाएगा। ऑलमोस्ट डबल होने जा रहा है टेक्सटाइल का जो ग्रोथ है जो इसका व्यापार है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो डबल होने जा रहा है इसका मतलब क्या है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। ग्रोथ इंडस्ट्री में तो हो रहा है, इंडस्ट्री के जो और भी तमाम स्टॉक्स हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं उसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बस जो हमारी कंपनी है टेक्सटाइल के सेक्टर में काम करने वाली एलेस्टोन टेक्सटाइल्स उसमें ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसको इस वीडियो में समझते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या इस पर्टिकुलर स्टॉक में कमी है, चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे अभी स्टॉक SMSH 1 में आ गया। जब किसी स्टॉक में लगातार गिरावट या तेजी देखने को मिलती है ये रेड फ्लैग में स्टॉक आना तय होता है, ये पेनी स्टॉक्स में देखना आम बात है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में देखेंगे तो स्टॉक आपको लगातार लोअर सर्किट में चलते हुए दिखेगा। देखिए आज भी लोअर सर्किट टच किया है और पिछले कुछ दिनों से जहाँ जहाँ आपको नजर जाएगा देखेंगे स्टॉक लोअर सर्किट में चलते हुए जा रहा है। लोअर सर्किट में चलने का नतीजा ये है कि स्टॉक का प्राइस लगातार आपको नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग एलेस्टोन टेक्सटाइल्स का एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं कि हमें इसमें करना क्या है, जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है उन्हें भी और कोई नया व्यक्ति इसमें यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसे भी। देखिए हम लोग अभी काम के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सभी जानते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है और टेक्सटाइल सेक्टर का ग्रोथ आने वाले समय में देखने को मिल रहा है, लेकिन इस कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा इसके बारे में समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा। फंडामेंटल और टेक्निकल दो ही चीज़ों पर ध्यान देंगे। फंडामेंटल हम सभी जानते हैं कि तकरीबन 125 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है और कंपनी का जो शेयर प्राइस है कंपनी के बुक वैल्यू से कम है। यहाँ पर पहली निगेटिव बात है। दूसरी निगेटिव बात यह कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो ROC है यह माइनस में, जबकि ये पॉजिटिव में होना चाहिए था। यहाँ पर दो चीज़ निगेटिव देखने को मिला। अब यहाँ पर जब आप क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कंपनी का पिछले कुछ दिनों से लगातार सेल्स ही नहीं हो रहा है। पिछले दो क्वार्टर से तो बिल्कुल सेल्स नहीं हो रहा है, यानी कि कंपनी के पास जब रेवेन्यू नहीं आ रहा है लेकिन कंपनी चलाना है तो खर्चे तो लगेंगे। तो खर्चे देखिए खर्चे दोनों ही क्वार्टर में हुए हैं और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे सेल्स नहीं हुआ है लेकिन खर्चे कंपनी के बढ़े हैं। जिस वजह से क्या हुआ है कि जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यानी कि जो मेन बिजनेस से कमाई होता है वो देखिए माइनस में चला गया है, यानी कि कंपनी के पास ना रेवेन्यू आ रहा है ना प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ पर यह बात समझना होगा। हालांकि नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट थोड़ा सा आपको अभी भी प्रॉफिट में है, हालांकि प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से कम हुआ है लेकिन प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अभी भी थोड़ा बहुत है प्लस में, लेकिन यदि ऐसे ही चलता रहा तो नेट प्रॉफिट भी माइनस में आ जाएगा। और चूंकि नेट प्रॉफिट भी लगातार कम होते हुए दिख रहा है तो इस वजह से जब बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो जो कंपनी का डेप्ट है आपको डेप्ट देखिए यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। पहले 14 लाख था, फिर 52 लाख हुआ, फिर बढ़कर 70 लाख हो गया, यानी कि ये डेप्ट लगातार बढ़ते जा रहा है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे जो कंपनी का फ्री कैश फ्लो है वह भी लगातार कम होते जा रहा है। पिछले यहाँ ट्रिपल डिजिट में हुआ करता था, अब फ्री कैश फ्लो भी कम हो रहा है। कंपनी का डेप्ट बढ़ते जा रहा है क्योंकि कंपनी के सेल्स नहीं हो रहे हैं और प्लस कंपनी के जो खर्चे हैं एक्सपेंडिचर वो कंपनी का बढ़ता जा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कंपनी के पास जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में पहले से थोड़ी बहुत धन बचा हुआ था प्रॉफिट में, तो वो धीरे धीरे कम होते हुए कंपनी का दिख रहा है। अब सबसे मेन पॉइंट कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। एक साल के चार्ट पर आ गए हैं। यहाँ पे देखिए ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था तकरीबन वहीं पे आके इसका प्राइस ठहरा हुआ है 1 रुपए के आसपास। 1 रुपए से भी कह सकते हैं प्राइस नीचे आ गया। अब जहाँ ज्यादा से ज्यादा नीचे आएगा 80 पैसा तक आ सकता है। 80 पैसा के लेवल तक आके इस प्राइस को ठहरना चाहिए और यहाँ पे फिर इस स्टॉक को कंसोलिडेशन में जाकर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, फिर प्राइस यहाँ से बाउंस बैक लेके प्राइस ऊपर उठने के चांस है। ऐसा नजदीकी भविष्य में ऐसा होने के चांस हैं, लेकिन यदि 80 पैसा के लेवल को भी तोड़ के नीचे आ जाते तब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको 80 पैसा के नीचे आने तक वेट नहीं करना है। यदि इसमें आके कंसोलिडेशन नहीं करता इस रेंज में और प्राइस ब्रेक करके नीचे आ जाता है 80 पैसा के नीचे आ जाते तब आप इसमें से हाफ क्वांटिटी बेच के निकल जाइएगा। इसमें नया व्यक्ति को तो अभी एंट्री लेना ही नहीं क्योंकि प्राइस लगातार नीचे आ रहा है, जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट उनके लिए बता रहा हूँ। आप वेट कीजिए 80 पैसा तक आने का। 80 पैसा तक आके ये प्राइस कंसोलिडेट करेगा फिर प्राइस ऊपर निकलेगा, इसलिए इसमें नहीं है, समय देना है। हालांकि बेचने की गलती तब अभी मत करिए जब तक प्राइस 80 पैसा के नीचे ना आए।
तो एलिस्टोन टेक्सटाइल्स का प्राइस लगातार नीचे क्यों जा रहा है, मैंने इस वीडियो में उसको बताने की कोशिश की है। कंपनी के फंडामेंटल में, कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस में कुछ दिक्कत है, गड़बड़ी है, जिस वजह से प्राइस लगातार नीचे जा रहा है, क्योंकि इसी इस इंडस्ट्री के जो दूसरे तमाम स्टॉक्स हैं उसके प्राइस तो इतने नीचे नहीं जा रहे हैं। तो मैंने लेवल बता दिए, लेवल के नीचे जब स्टॉक का प्राइस जाएगा तो वहाँ पर आप हाफ क्वान्टिटी बेस पर निकल जाइएगा, इसमें ज़्यादा पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, और नया एंट्री तो बिल्कुल नहीं लेना है, जैसे कि मैंने बताया है आपको। बाकी इस रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।